फ्रेंड एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को आपसे पूछेंगे और उनके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जवाब आपने इस तरीके से देने हैं, मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा और जैसे आप पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो नंबर एक ऑप्शन अगर ए सही है तो ए, बी जो भी ऑप्शन हो वो आपको लिखना है, यानी प्रश्न संख्या और उसका सही ऑप्शन नंबर लिखना है। और इसके जवाब मैं अगले पार्ट में आपको दूंगा, ठीक है। और जिसने ये राष्ट्रपति चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप लिंक ओपन करके उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर एक, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। ऑप्शन ए देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, ऑप्शन बी देश के संविधान में निष्ठा और विश्वास की, ऑप्शन सी देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, ऑप्शन डी संविधान की रक्षा और जन कल्याण की। अब हमारा दूसरा प्रश्न, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार राज्यों के बजट को अपने नियंत्रण में ले सकती है, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर तीन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेना, ऑप्शन बी राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं को भंग करना, और ऑप्शन डी नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आसन पर्यंत पद पर रहता है। राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छह, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। ऑप्शन ए संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से गलत कथन है। ऑप्शन ए भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा महान्यायवादी आते हैं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है,
और ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा निर्मित कानून द्वारा, और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारत का राष्ट्रपति अपनी निशेषाधिकार यानी विटो पावर का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन ए केवल साधारण विधेयकों के लिए, ऑप्शन बी केवल धन विधेयकों के लिए, ऑप्शन सी केवल संविधान संशोधन विधेयकों के लिए, और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति सब विवेक का प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन ए जब शासक दल लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय मंत्री के बीच विवाद हो, ऑप्शन डी जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सब विवेक का प्रयोग करने का परामर्श दें। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप अपना स्नेह हमारे प्रति यूं बनाए रखें। धन्यवाद।